जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 0 to 2022 बैच नाविक जीडी के एग्जाम के बारे में। आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस टॉपिक पर होने वाला है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से जो मेरा सिलेक्शन था वो नाविक जीडी में नहीं हो पाया, मैंने कौन सी गलती की थी अपने एग्जाम में, जो आपको गलती नहीं करनी है एग्जाम के पहले। मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो मार्च के एंड में होने वाला है, यानी ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज से आपके पास 10 से 15 दिन आपके एग्जाम के लिए बचे हैं, 15 दिन मैक्सिमम मान के चलिए आपके एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। तो आपको कौन सी गलती जो अपने एग्जाम में नहीं करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं जब भी अपने एक्सपीरियंस से, अपने एग्जाम से या आपके एग्जाम से रिलेटेड जब भी वीडियो अपलोड करता हूं तो वो आपके पास आ जाएगी। देखिए, यहां पर मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाऊंगा कि मैंने कितना स्कोर किया अपने एग्जाम में, सेक्शन फर्स्ट में कितना स्कोर किया, सेक्शन सेकंड में कितना स्कोर किया। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हों, देखिए खासकर पहले बात बोल दूँ, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हों, एयरफोर्स एफ ग्रुप वाले स्टूडेंट हों, एक्स ग्रुप वाले जितने भी स्टूडेंट्स हों, डबल ए एस एस आर वाले जितने स्टूडेंट्स हों, यानी डबल ए एस एस आर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो इस वीडियो कंप्लीट बोल सकते, क्योंकि वो सेक्शन फर्स्ट में जो गलती करेंगे मैं आपको वो बताऊंगा कि गलती आप कौन गलती करेंगे, जितने भी नए होंगे, एस ग्रुप वाले होंगे, डबल ए एस एस आर वाले होंगे, क्योंकि आपने सेक्शन फर्स्ट में कौन सी गलती करेंगे, जिससे सेक्शन फर्स्ट में ही मैक्सिमम रहता है 60, तो वहां से आपका जो सिलेक्शन है वहीं से आपका रेशियो बढ़ जाता है, सिलेक्शन का जो परसेंटेज होता है सेक्शन फर्स्ट से ही आपका सिलेक्शन का प्रोसेस बढ़ता है रेशियो। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। तो ये फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मेरा रिजल्ट देख लीजिए कि रिजल्ट में मेरा क्या था। रिजल्ट देखिए, अगर इंडियन कोस्ट गार्ड यानी ICG 0 to 2021, ये 2021 जब आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम था वो आपका फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हो रहा था। मैंने वही एग्जाम दिया, सिर्फ एक एग्जाम दिया, ये आपका फर्स्ट टाइम एग्जाम था जब आपका ऑनलाइन हो रहा था और सभी का एडमिट कार्ड आया था। मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने जब आपकी दूसरी बारी भर्ती आई, यानी कि 0 फिर 2022 वाली जब आपकी भर्ती आई, इसका मेरा जो एग्जाम था मैंने नहीं दे पाया, क्योंकि इसका एक रीज़न था कि मैंने इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया, मेरा इनवैलिड बता रहा था, ये मेरा फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ। मैंने सिर्फ एक एग्जाम दिया था 0 to 2021 वाला। यहाँ पर आप देख लीजिए, कैंडिडेट नेम हर्ष पांडे, रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा ये डाला हुआ है, पोस्ट मैंने किसके लिए अप्लाई किया, नाविक जीडी के लिए, कास्ट जर्नल के लिए। ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, 10 मिनट तक आपकी मैक्सिमम या 11 मिनट तक आपकी पहुंचेगी, तो वो आप देख लेना। आपको अपनी गलती नहीं करनी एग्जाम में, तो आपको 10 मिनट ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा, 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो ये नहीं करूँगा। देखिए रिजल्ट देखें अगर आप मेरा, तो यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देखिए कि सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, बात दो बातें हैं यहाँ पर आपको बता दूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट आए कि सर नाविक जीडी में मेरे कितने एग्जाम होते हैं, तो 2 एग्जाम होते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक भाई का कमेंट आया था कि कितने दिन बाद सेक्शन सेकंड का एग्जाम होता है, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि भाई कितने दिन बाद एग्जाम होता है सेक्शन सेकंड, कितने दिन बाद नहीं भाई, कितने मिनट बाद। तो 5 मिनट बाद आपका सेक्शन सेकंड का एग्जाम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 मिनट बाद आपका एग्जाम हो जाएगा सेक्शन सेकंड का, सेक्शन फर्स्ट के क्लोज होते ही आपका। देखिए मैक्सिमम मार्क की बात कर, पासिंग मार्क की बात कर ले पहले हम, तो 30-20 होता है आपका सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड, 30-20। मैक्सिमम मार्क की बात करें हम आपके, तो 60 and 50, यानी सेक्शन सेकंड 50 है और सेक्शन फर्स्ट 60 है। ओवरऑल बात करते तो 110, यानी 110 नंबर आपके। मेरे कितने आए मार्क ऑप्टेन, मैंने कितने किए नाविक जीडी के एग्जाम में, तो सेक्शन फर्स्ट की बात करते तो मैंने पासिंग मार्क ही अपने ऑप्टेन कर पाई थी, मेरे 30 नंबर आए थे 60 में से, यानी पासिंग मार्क ही मेरे आए थे। बात करते हैं हम यहाँ पर सेक्शन सेकंड की, तो यहाँ पर मेरे आए थे 50 में से 21, यानी पासिंग मार्क मेरा यहाँ से एक नंबर ज़्यादा था पासिंग मार्क से, तो चलिए अच्छा भी था, क्योंकि यहाँ पर 51 रुपये का प्रसाद चढ़ चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 51 नंबर का यहाँ पर प्रसाद चढ़ गया था मेरे ऊपर। और कट ऑफ बात करते हैं, कट ऑफ फॉर नाविक जीडी जनरल स्टेज फर्स्ट, यानी 67, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंडियन कोस्ट गार्ड का एक जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि वो आपका कैटेगरीज वाइज यानी कास्ट वाइज आपको परसेंटेज आपकी बताता है कि जनरल की कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी जाएगी। ओबीसी में भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, एक क्रीमी में और एक नॉन क्रीमी में। और ईडब्ल्यूएस की कितनी कट ऑफ जाएगी, इसको भी ध्यान रखना है आपको। एससी की ध्यान रखनी है आपको, एसटी की ध्यान रखनी है। तो आपकी कैटेगरीज वाइज, 5 कैटेगरीज वाइज आपकी कट ऑफ डिवाइड होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्कोर था वो 110 में से आपका 51 का स्कोर था, तो यहाँ पर 51 नंबर का एक प्रसाद था वो आ चुका था मेरे स्कोर पे। तो आप देख सकते हैं कि 51 नंबर मेरे आए थे, कट ऑफ गई थी 67। अब हम बात करेंगे मैंने गलती कौन सी की अपने एग्जाम में। सबसे बड़ी गलती थी मेरी टाइम मैनेजमेंट को लेकर, कि मैंने टाइम अपना मैनेज नहीं कर पाया, टाइम मैनेज। सेकंड पे थी मैंने क्वेश्चन को स्किप कर दिया कि बाद में करेंगे। और थर्ड पे थी कि मैंने क्वेश्चन को छोड़ दिया, यानी क्वेश्चन को छोड़ दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन को छोड़ दिया, क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया कि अब वो किस वजह से छोड़ा उसके भी रीज़न बताऊंगा कि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसी वजह से मेरे क्वेश्चन छूटे। हम बात करें अपने सबसे बड़ी टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम आपको पता होगी कि सेक्शन फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं,
सेक्शन फर्स्ट की बात करती है। सेक्शन फर्स्ट में आपके 60 क्वेश्चन आपके आते हैं, 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है, तो यहाँ पर काफ़ी एक एवरेज आपको टाइम मिल जाता है। सेक्शन सेकंड की बात करते हैं हम, तो आपके 50 क्वेश्चन सबसे कम टाइम यहीं पर मिलता है आपको 30 मिनट्स में, यानी कि 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, वो भी ऐसे क्वेश्चन जो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो। यानी कि फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स का पूरा सेकंड फिजिक्स आपसे पूछी जाती है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मॉडर्न ये आपसे फिजिक्स पूछी जाती है, 48 डायोड ट्रांजिस्टर वाली जो आपकी फिजिक्स होती है, आपके जितने भी मैग्नेटिक से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, जितने आप इलेक्ट्रिक से न्यूमेरिकल बनते हैं, सब सेक्शन सेकंड से आपसे पूछा जाता है। मैथ की बात करें तो आपसे पूरी कैलकुलस पूछी जाती है आपसे, मतलब कैलकुलस में ये है कि आपसे डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन, आपसे डेरिवेटिव जो आपका सेमी है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इंटीग्रल होता है, ये आपका तमाम जो एरिया अंडर द कर्व, ये आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अपनी मैथ में। तो सभी एक कैलकुलेशन क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, तो वो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है। अब बात करें कि आप गलती कौन करेंगे, सबसे पहली गलती हम बात करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि सेक्शन फर्स्ट में मैथ, सेक्शन फर्स्ट में जो आपकी मैथ होगी अर्थमेटिक, जिसको मैथ नहीं बोलेंगे, मैथ तो है, मैथ में दो है, पहले हम इसको अर्थमेटिक एक नाम दे देंगे, अर्थमेटिक। सेकंड पे है आपकी जीके, थर्ड पे है आपकी जीएस। इन तीन टॉपिक को मैंने एयरफोर्स, एफयूरोप, नेवी, डबल ए, एसएसआर का क्यों नाम लिया, क्योंकि जितने भी एयरफोर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, एफयूरोप वाले, डबल ए, एसएसआर वाले, वो क्या करेंगे कि अर्थमेटिक कुछ होते नहीं है, सिर्फ आर एस अग्रवाल की एनडीए एनी लगाते हैं ज़्यादातर, ज़्यादातर मैंने देखा है, मैं भी लगाता हूँ। और जीके जीएस में क्या करना कि जीके जीएस तो पढ़ते नहीं, क्योंकि एफयूरोप में आती नहीं जीके, नेवी वाले तो पढ़ भी लेते हैं जो भी तैयारी करते हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ते हैं, तो एफयूरोप वाले ना जीके पढ़ते हैं ना जीएस पढ़ते हैं, अर्थमेटिक तो बहुत ही कम है, रेयर चांस है कि पढ़ लें वो, क्योंकि उनको दो मैथ करनी है। देखिए वहाँ पर ऐसा नहीं कि वो खुद नहीं पढ़ते, उनको दो मैथ करनी है, तो दो मैथ करना थोड़ी बड़ी बात होती है, दो मैथ यानी कि एक एडवांस और एक आपकी अर्थमेटिक, तो दो मैथ उनको देख के चलनी है, इस वजह से वो नहीं पढ़ पाते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ये पढ़नी है, जो मैंने गलती की कि मैंने ये तीनों सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाया एग्जाम के पहले, सीधा गया और एग्जाम दे गया, फिर भी एक स्कोर था कि 30 मतलब आ गए, तो मैथ भी वही आप देख सकते 15 नंबर की मैथ, और जीके जीएस भी मान सकते हैं कि जीएस में जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे वो मैंने कर लिए, क्योंकि बायो वाले जो और केमिस्ट्री होते वो कर नहीं पाए, जीके में भी 102 क्वेश्चन कर पाए और छूट गए, यानी ओवरऑल पूरा हमको देखो तो 20 नंबर का यहाँ से घाटा हुआ सेक्शन फर्स्ट से। ये आपको ध्यान रखना है कि तीन टॉपिक पर आपको पकड़ बना के चलनी है। सेक्शन सेकंड में आप क्या गलती करेंगे, सेक्शन सेकंड में आप करेंगे कि फिजिक्स में, ये मैंने फिजिक्स क्यों नाम लिया कि मैथ तो आप कर ले जाएंगे, मैथ तो आप कर ले, जब आपका फिजिक्स का सेक्शन आएगा सेकंड वाला तो उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, ये आपको काफ़ी परेशान करेंगे, जिसमें आपको टाइम लेंगे, देखिए कर तो आप लेंगे, न्यूमेरिकल को कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप फॉर्मूला अगर आपको याद है, आपको पूरी बेसिक्स याद है, कॉन्सेप्ट याद है आपको, तो फिर आप न्यूमेरिकल कर ले जाएंगे, लेकिन टाइम का क्या करेंगे, आप मैथ के भी 20 मिनट ले लेंगे, कम से कम 20 मिनट आप मैथ के लेंगे, क्वेश्चन करने 25 क्वेश्चन है आपको 20 मिनट लगेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे आपको करना है, और आपके फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे ये आपको टाइम आप कर लेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन छूटेंगे। थर्ड नंबर पर बात करें, आपको क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, मैंने क्या किया कि इस क्वेश्चन को हम बाद में कर लेंगे, ये अभी मेरे माइंड में इसका आ नहीं रहा, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दें, इसको आगे वाले को देखें और वो भी नहीं आया उसको भी स्किप कर दिया, यानी ये स्किप करना आपको छोड़ना पड़ेगा, स्किप नहीं करना आपको क्वेश्चन किसी को। थर्ड पे है जितने भी क्वेश्चन आपके हो जाए, जैसे आपके मान लिया कि मेरे 70 क्वेश्चन हो गए और इसके आगे हमको आ नहीं रही, तो क्या करें, हम छोड़ दें क्वेश्चन को, तो आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, यानी हर एक क्वेश्चन को 110 आएंगी, 110 में से आपको 110 करने हैं, ये मान के चलिए 110 में से आपको 110 क्वेश्चन करने हैं अपने एग्जाम में। देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ये काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी आता कि सर नेगेटिव मार्किंग है, तो नो नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में, इस वजह से आपका डर नहीं होना चाहिए कि मेरे माइनस में नंबर कट जाएंगे, आपको 110 में से 110 क्वेश्चन करके आने हैं, जिससे अगर यहाँ पे अगर 4-5 भी 6 भी सही हो गए आपके, ये मान चलिए कि 40 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं आपके आके, और एवरेज भी लेंगे तो 4 में 1 सही होगा, तो भी आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो आपको परेशानी तो 80 नंबर आपके बन जाएंगे, तो आपको एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, मैंने क्या कि क्वेश्चन को छोड़ दिया क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, और मैं काफ़ी क्वेश्चन तक पहुंच भी नहीं पाया और अपना क्लोज हो गया, क्योंकि मैं क्वेश्चन में फंसा रहा, ये भी चौथा पॉइंट हो सकता है कि क्वेश्चन में फंसना नहीं है आपको, किसी भी क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने आपको बातें बताई कि किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना, अगर आपको आ रहा तो ठीक है उसको कर दे, और अगर नहीं आ रहा तो फिर आपका जो भी फॉर्मूला हो तुक्का मारने का, यहाँ पर हर क्वेश्चन में तुक्का नहीं, जो भी आपका फॉर्मूला हो तुक्का मारने वाला वो आप उसको यूज करके वहाँ पर आप तुक्का मार दे, जो भी आपका अक्कड़ बक्कड़ वाला हो या अदर भी आपका कोई नया आपने जनरेट किया हो फॉर्मूला जिससे आपका सही लगता हो तुक्का, वो आप क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, मेरा एक मेन मोटिव है क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, 110 में से 110 करने हैं आपको क्वेश्चन, अगर आपको 80-90 आ रहे तो ठीक, 70 तक आपको क्वेश्चन आ रहे
ठीक है, उसके बाद अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको जो 40 क्वेश्चन आपके बचते हैं ये आपको पूरे करके आने हैं अपने एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आपको जो मैंने आपको जो बातें बताई कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको अर्थमेटिक पर ध्यान देना है, क्योंकि यही आपका सेक्शन फर्स्ट में आपका सिलेक्शन का यही एक बेस होता है, यहीं से आपका सिलेक्शन की जो सीढ़ी है होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने यहाँ पर 50 नंबर का स्कोर कर लिया और तो फिर वहाँ पर अगर आप 20-25 का भी स्कोर करते हैं, 25 तक का अगर इस बार स्कोर करते हैं 50 में से, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मान के चलिए 75 से 80 तक मिलेगा ना, आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है अपने एग्जाम के लिए। टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। जो भी आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंस बातें थी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस रिलेटेड जो भी मेरा एग्जाम से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस रहता है, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पर अपलोड करता हूँ। आपके डिफेंस एग्जाम जितने भी डिफेंस आपका, खासकर मैं नेवी, एयरफोर्स, एनडीए और आपका कोस्ट गार्ड, चार एग्जाम से अभी तक मैंने हटके तीसरा वीडियो चौथा वीडियो आपका अपलोड नहीं किया। पांचवा वीडियो मैंने चार सब्जेक्ट से हटके, चार आपकी पोस्ट से लेके हटके कभी वीडियो अपलोड नहीं किया डिफेंस से हटके। तो जितने भी डिफेंस के स्टूडेंट्स हो वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वारीज वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहां पर आपको जवाब मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।